पीलीभीत की नगर पालिका परिषद में फैले भ्रष्टाचार ने एक जान ले ली। आरोप है कि सफाई निरीक्षक ने संविदा सफाई कर्मी को वेतन में कटौती की, जिसका विरोध सफाई कर्मी ने किया, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कई दिनों से नौकरी के लिए नगर पालिका में चक्कर लगा रहे सफाई कर्मी ने आज जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रोते बिलखते यह परिजन नगरपालिका परिषद में फैले भ्रष्टाचार व उस भ्रष्टाचारी को कोस रहे हैं, जिसने इनके परिवार के मुखिया को ही मौत के आगोश में भेज दिया। दरअसल संविदा सफाई कर्मी इंद्रपाल पिछले 20 साल से पालिका में काम कर रहा था। आरोप है पीलीभीत नगर पालिका में 240 सफाई कर्मियों के जरिए शहर की सफाई कराई जाती है और इन 240 संविदा कर्मियों को 5900 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। आरोप है कि सफाई निरीक्षक अमर किशोर 240 की जगह मात्र 150 कर्मी लगाकर सफाई करवाता है और बाकी लोगों का रुपया हड़प जाता है। इसके साथ ही जिन कर्मियों को 5900 रुपए देने का प्राविधान है, उन्हें मात्र 3000 रुपए प्रतिमाह देता है और अगर कोई विरोध करता है तो उसे नौकरी से निकाल देता है। आरोप है कि 8 दिन पहले मृतक इंद्रपाल को भी गैर हाजिर दिखाकर 5900 की जगह 3000 रुपए दिए गए, जिसका विरोध इंद्रपाल ने किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इंद्रपाल और उसकी पत्नी पिछले 8 दिन से नौकरी के चलते पालिका के चक्कर लगा रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और आज इंद्रपाल ने कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घर वाले अस्पताल लेकर आए लेकिन इंद्रपाल की मौत हो गई थी। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मौके पर पहुंचे अन्य संविदा कर्मियों व उनके संगठन ने नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। गौरतलब है कि 3 माह पहले भी एक कर्मी ने नौकरी से निकाले जाने के बाद जहर खा लिया था, लेकिन उसको बचा लिया गया था। ऐसे में सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि इन सफाई कर्मियों की जिंदगी बचाई जा सके। सर, मेरा नाम मिस्टर राघव, मैं जो एक्सपायर हुए उनका छोटा भाई हूँ। ये पिछले 20 साल से नगर पालिका में जॉब कर रहे थे प्राइवेट तौर से, तो अभी सर इन्हें करीब 10 दिन से ड्यूटी नहीं ले रहे थे अमर किशोर, तो वो उन्होंने ये रोज़ जा रहे थे वहाँ पे कि मेरे को भी जॉब लगा लो, जॉब लगा लो, इनको नहीं ले रहे थे वो। विवाद इस चीज़ को लेके हुआ था, ये 30 ड्यूटी करते थे, ये क्या सभी जितना स्टाफ है इनका 30 ड्यूटी करता है, लेकिन पेमेंट आती है 15 की, 10 की, 12 की, बस ये होता है सर। फुल पेमेंट इनकी है जो 5900 कुछ रुपये है सर, बस इस चीज़ को लेके विवाद हो गया। पिछले 10 दिन से ये ड्यूटी भी नहीं ले रहे थे, उनको बोल रहे कि ऐसा कर वैसा कर, परेशान हो गए थे। मैं रुद्रपुर रहता हूँ, 2 दिन से मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती, कितना देना चाह रहे थे? इनकी 5900 कुछ रुपए सैलरी थी सर, उसमें से इनको 3000 रुपए दिए थे। इनने जब वहाँ पे जाके पूछा था कि भाई इतनी पेमेंट क्यों आ रही है, तो इनको कुछ उल्टा सीधा बोला, 40 जो भी हुई होगी पता नहीं, मतलब जॉब पे नहीं लिया इनको वापसी में। अब वहाँ से ये आने के बाद 2-3 दिन से ये परेशान हो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों उदास है, तो बोला यार मेरे को काम पे नहीं ले रहा, मेरा दिमाग टेंशन नहीं कर रहा, बच्चों का स्कूल का भी खुलने का टाइम हो रहा है, फीस वगैरह जमा करनी, कहाँ से क्या करूँगा, और गरीब आदमी। मैंने कहा तो हो जाएगा, थोड़ा बात कर ले एक बार उनसे। हाँ, ये सभी के साथ होता है सर। कितने कर्मचारी काम करते होंगे? अब सर इसका तो मेरे को नहीं पता, नगर वाले ऐसा 5900 रुपये कर्मचारियों की तनख्वाह आती है। इनकी बीवी ने मुझसे शिकायत करी कि मेरे पति के 3000 रुपये आए हैं, मैं 3000 रुपये में बच्चों की फीस भरूं या मैं खाना खाऊं। उनने जाके वहाँ पे इनके पति ने, इनकी पत्नी ने, मतलब इंद्रपाल ने इनकी पत्नी ने वहाँ के जाके पूछा, तो उनने ये बताया कि मतलब हमारे 3000 रुपये क्यों आए हैं। उनके साथ जो भी वहाँ पर हुआ होगा मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन हाँ उन्हें काम पर नहीं लिया गया। उनके 5900 के 3000 रुपये आए, वो 8-10 दिन से वहाँ चक्कर लगा रहा था कि मुझे जो है काम पे ले लो, काम पे ले लो, उसे काम पर नहीं लिया गया। उससे ये कह रहे थे एफिडेविट दो, ये बात उस आदमी ने मुझसे खुद कहा था कि मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं, जब एफिडेविट दोगे तभी काम पे लेंगे। इसका मतलब इन्हें पता था ये, मतलब मैं क्या पता किस चीज़ का, ये तो वही बता सकते हैं किस चीज़ का एफिडेविट मांग रहा है वो। कितने कर्मचारी होंगे? 244 कर्मचारी काम करते हैं अभी के साथ ये हो रहा है। 244 कर्मचारी काम करते हैं और उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है कि कम से कम 50-60 कर्मचारी या 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो काम पे नहीं जाते, उनका घर बैठे पैसा दिया जाता है। इस बात की मैंने कंप्लेंट भी करी है मुख्यमंत्री से, यू से भी करी, डीएम से भी करी, लेकिन मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी फर्जी करके यहाँ से ये यू मैडम ने लिख के डाल दिया और मुझसे कह दी कि मैंने, मेरे लिए कह दिया कि मैंने जो कर्मचारी की सूची भी मुझे उपलब्ध करा दी, जबकि मेरे लिए कोई सूची उपलब्ध नहीं हुई। देखिए, पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो तो जांच के बाद होगा, पुलिस जांच के बाद, लेकिन जो मृतक की पत्नी है उन्होंने बताया कि नगरपालिका में उनके हस्बैंड लगभग 20 वर्षों से कार्य करते थे और उनकी कुछ अटेंडेंस कम लगी है जिसके कारण उनको तनख्वाह कम मिली और इसकी वजह से कुछ घर में लड़ाई हुई, उनका जो कहना है, उनका जो वर्जन है, और इस वजह से उन्होंने जहर खा लिया और मृत्यु हो गई।
दूसरा पक्ष ये है कि ईओ नगर पालिका यहीं पे मौजूद हैं और उनसे जो है पूरा मस्टर रोल और किस रोल पे उनको रखा गया था, कितनी अटेंडेंस लगी और किस तरीके का मतलब जो आरोप है क्या वो सत्य है या नहीं है, वो जांच होके 2-3 दिन बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। कई सारे कर्मचारी थे उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया सामने भी, बीवी ने कहा 8 दिन पहले विवाद हुआ था घर में और लगातार 8 दिन से पति को लेके वहाँ नगर पालिका जा रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, ये है मामला। देखिए ऐसा है, जो इन्होंने आरोप लगाया है इसकी यदि कोई लिखित एप्लीकेशन इनके द्वारा नगर पालिका में पाई गई तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा कि उसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया। बाकी ऐसी कोई भी शिकायत जो इन लोगों ने बताया प्रशासन के पास, जिला प्रशासन के पास, कहीं भी किसी भी पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यदि उन्होंने नगर पालिका में भी दी है तो ईओ नगर पालिका से और चेयरमैन साहब से पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों उनकी समस्या का समाधान नहीं किया।